जो तरीका बदल रहा है एनईपी 2020 के बाद से, किस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंग्लिश में एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं तो भी उसकी लैंग्वेज इतनी रहती है कि हमारे समझ में आती है, अगर हिंदी की भी होती है तो समझ में आती है। मतलब कोशिश की जाती है कि सेगमेंट, मतलब कि एक ऐसी बुक है जिसको कि सभी बोर्ड्स प्रीफर करते हैं, नॉट ओनली सी अगर करते हैं फ्यूचर में तो यूपीएससी के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जो सो हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ना छोड़ दें आप, ये टाइटल देखकर आप बिल्कुल डर से तो नहीं गए, कहीं डरना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी है, जो आजकल का हाल ही का ट्रेंड है उसको ध्यान में रखकर हम बातचीत करेंगे। एनसीईआरटी बहुत पहले से चल रही है, करीब करीब 2006-07 से इस तरह की चीज़ें लगभग चल रही हैं, आप उतने सालों से क्या उसी धर्रे से हमें चीज़ों को पढ़ना चाहिए? क्या अभी का पेपर का जो लेवल होता है जो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देते हो वो कितना रिलेट करता है एनसीईआरटी से, ये बातें पता होना आपको बहुत जरूरी है बच्चों। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, एक छोटा सा वीडियो, क्रिस्प वीडियो, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो कितना पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ना चाहिए तो फिर क्या पढ़ना चाहिए, सब बातें हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैथमेटिक्स साइंस, मैं इवन सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स उनको ध्यान में लेकर यहाँ पे चल रहा हूँ, और ये आप लोगों का कंसर्न था इसीलिए वीडियो भी मैंने बनाया। देखो बच्चों, हर चीज़ के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, हर चीज़ का अपना पक्ष और एक अपना विपक्ष होता है, कि हर चीज़ के आप साइड में फेवर में कुछ कह सकते हो या उसके अनफेवर में डिसफेवर में आप कुछ चीज़ें कह सकते हो। बस वही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने यहाँ पर आया हूँ कि एनसीईआरटी के बारे में उसके प्रोज क्या हैं। हमने बहुत कुछ सुना है, एक एक करके मैं पहले आपको कुछ बातें बताता हूँ जो एक्सपीरियंस बेसिस पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह होते हैं उन्हें एनालिसिस करने के बाद, पेपर का जो नेचर होता है, क्वेश्चन पेपर का जो नेचर होता है, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का जो तौर तरीका होता है, जो तरीका बदल रहा है एनईपी 2020 के बाद से, किस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाने का ट्रेंड बढ़ गया है, इवन उनका वेटेज बढ़ गया है, 50% तक पहुंच चुका है। एमसीक्यू होते हैं या आपके सोर्स बेस्ड होते हैं या केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, कहां से पूछे जा रहे हैं आपको, उसका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। सबसे पहली बात यह कि एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें सबसे पहली चीज मिलती है डीप अंडरस्टैंडिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि ये बुक बेसिकली नेशनल लेवल की आपकी बुक होती है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी कुछ ऐसा ही कुछ होता है जहाँ से एन स्टैंड्स फॉर नेशनल है, तो कुल मिला के नेशनल लेवल की बुक है जो बड़े अच्छे अच्छे इंटेलेक्ट्स ने बनाई हुई है, मतलब ये ऐसी कोई हवा में बनी हुई बुक नहीं है। इसलिए कुछ फायदे आपको होते हैं, सबसे पहले एक डीप अंडरस्टैंडिंग पर ये लोग फोकस करते हैं, इसमें गेज लर्निंग पर फोकस किया जाता है रदर देन कि आप चीज़ों को रट्टा मार तरीके से करो। इसीलिए अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं कहीं ना कहीं हमारी फाउंडेशन मजबूत होती है, और रेफरेंस देने के लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि एनसीईआरटी में मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ये कुछ मैंने लिखा भी होगा यहाँ पर, अदरवाइज डीप अंडरस्टैंडिंग रहती है ये, बिल्कुल आप डेफिनेटली पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आता होगा। लेकिन अभी आगे के डिस्कस करते हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ होती है एनसीईआरटी में, अगर आप देखोगे कोई हाई फाई लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज यूज़ हो रही है जो हम पढ़ ही नहीं पा रहे। अगर इंग्लिश में एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं तो भी उसकी लैंग्वेज इतनी रहती है कि हमारे समझ में आती है, अगर हिंदी की भी होती है तो समझ में आती है। मतलब कोशिश की जाती है कि सेगमेंट वाइज या फिर ब्रेकडाउन क्या आता है कॉन्सेप्ट्स को बड़ी सरल भाषा में, जिसमें आपको बीच बीच में एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जाते हैं, बीच बीच में आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, एक्टिविटीज दी जाती है एनसीईआरटी में, तो ये उसका एक प्लस पॉइंट होता है जिसकी सिंपल लैंग्वेज में। अगली इंपॉर्टेंट बात है कॉम्पैक्ट साइज, एक इसका कॉन्साइज इसमें कॉन्सेप्ट्स को रखा जाता है, जिसलिए एनसीईआरटी का जो साइज होता है बहुत बड़ा नहीं होता। अगर आप देखोगे जैसे हमारी एनसीईआरटी की जो मैथ्स की बुक है, इतना सा साइज, अगर 10th की हम मैथ्स उठा के देखें, अगर आप वहीं पर कोई हेल्पिंग बुक या अदर बुक अगर उठाकर देखते हो तो उनका साइज ही बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कहीं कभी कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि छोटा साइज है इसका मतलब से चीज़ें कम होंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें सारी चीज़ें दबा करके कंप्रेस करके रखी गई हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को फिट किया जाता है, कॉम्पैक्ट साइज ये है। लेकिन इसका एक अभी कॉन्स भी है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, एक ही है लेकिन वही है तगड़ा वाला। अकॉर्डिंग टू CBSE, कहने का मतलब है कि एक ऐसी बुक है जिसको कि सभी बोर्ड्स प्रीफर करते हैं, नॉट ओनली CBSE, स्टेट बोर्ड्स भी जो होते हैं वो भी एनसीईआरटी को अपना बेस लेकर चलते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि उनकी अपनी बुक होती है कुछ कुछ स्टेट्स में, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के एनसीईआरटी का ही एक तरह का निचोड़ होती है, तो एक बात। दूसरी बात है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए एनसीईआरटी के बराबर कोई बुक नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर प्रिपरेशन करोगे अगली क्लासेस में जब आप जाओगे फ्यूचर में फर्दर, तो कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए आपको एनसीईआरटी को एज अ बेस लेकर चलना पड़ता है। आपने ये तक जैसे अगर आप मान लेते हैं नीट वगैरह की तैयारी करते हो, तो पूरा नीट में या JEE में बेसमेंट हमेशा एनसीईआरटी है। नीट जैसे सब्जेक्ट में तो बायोलॉजी जूलॉजी का पेपर पूरा डिटो बताते हैं एक्सपर्ट्स की, यहीं से बनता है, ठीक है। और सब्जेक्ट्स में थोड़े से चेंजेस होते हैं, लेकिन वो स्लाइट चेंजेस होते हैं, वो कुछ समझ की बात है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। आपने सुना होगा कई बार लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर करते हैं फ्यूचर में, तो यूपीएससी के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जो यूपीएससी जिन्होंने क्रैक वगैरह किया रहता है, वो लोग रिकमेंड करते हैं कि यार 6th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ो, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या साइंस की बुकें पढ़ने की बात हो, या मैथ्स वगैरह भी पढ़ना है, तो वो एक तरह से रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो इन सभी मामलों में एनसीईआरटी बेस्ट टू बेस्ट है, इसका कोई तोड़ नहीं है। खुद मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा, इसीलिए सारी बातें मैं आपसे कह सकता हूँ। लिमिटेशन क्या है, यही इन सब चीज़ों की कुछ लिमिटेशन आती है। जब हम सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो कई बार ये सिंपल लैंग्वेज इतनी ज़्यादा सिंपल हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता लिखा क्या है।
फ्यूचर क्लासेस में आपके साथ ऐसा और होने वाला है, जब आप क्लास 11 12th में जाओगे आपको एनसीईआरटी से कई बार चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैथ्स को मैं इसमें एक एक्सेप्शन के तौर पे लेता हूँ, क्योंकि मैथ्स बिल्कुल परफेक्ट समझ में आती है। अगर मैथ्स पढ़नी है तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट। लेकिन साइंस सोशल स्टडीज़ का ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन साइंस के बारे में मैं बोलूँगा कि यहाँ पर फिर भी साइंस पढ़ते समय कई बार हमें कुछ अदर जगह से पढ़ने की रिक्वायरमेंट महसूस होती है। तो कहने का मतलब है इसमें कई बार चीज़ों को एकदम शॉर्ट और क्योंकि कॉन्साइज वे में लिखा गया, कॉम्पैक्ट साइज में लिखा गया, तो कई बार हम समझ नहीं पाते, रेफरेंसेस नहीं दिए रहते, कई बार एक एक लाइन स्किप हो जाती है। मतलब ये मान लिया जाता है कि जो रीडर है वो समझ गया होगा इस बात को। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण ये इसका लिमिटेशन है। इतने फ़ायदे तो हैं एनसीईआरटी के जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी एक बात, लेकिन उसके अलावा क्या, इस डीमेरिट को हम कैसे हटाएं? इसका एक ही तरीका है कि आपको आज के दौर पर, क्योंकि जब एनसीईआरटी बनी थी उस समय ऐसा आइडिया नहीं था कि वीडियो सॉल्यूशंस जैसी कुछ चीज़ होती होंगी, आज की रेट में वीडियो सॉल्यूशंस है और यूट्यूब में आपको बेस्ट एजुकेटर्स अपना अपना बेस्ट देते हैं और वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्मेट में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वगैरह। जैसे आप हमारी जिस वीडियो को आप देख रहे हो, गोट सीरीज जो हम लोगों ने यहाँ पर बना रखी है टीम रीस्टार्ट विद मोशन के द्वारा, उस गोट सीरीज में यही काम किया गया कि पूरी एनसीईआरटी को तोड़ करके इतना सिंप्लीफाई आपके लिए कर दिया गया कि आपके लिए चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाए। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मैंने कहा कि हमें इन बिटवीन द लाइंस भी पढ़ना होता है, उसको पढ़ने के लिए एक एजुकेटर का, एक एक्सपर्ट एजुकेटर का होना बहुत जरूरी है इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए। इसीलिए आपको एक परफेक्ट एक्सपर्ट एजुकेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ फुलफिल हो पा रही है। अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी रह जाती हैं डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए इसको अगर कवर करना है तो हमें लेक्चर्स को साथ में लेते हुए एनसीईआरटी को पढ़ना है। अगर आप बेस्ट वे मेरे से पूछोगे पढ़ने का क्या होना चाहिए तो वो ये होना चाहिए, एक बार बुक रीडिंग होनी चाहिए एनसीईआरटी की, उसके बाद एक वीडियो सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं वीडियो लेक्चर होना चाहिए, और वीडियो लेक्चर के बाद दोबारा से बुक आपको जाकर के पढ़नी है। यानी ये सिर्फ जो बीच का ट्रांजिशन है ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बार तरीके से बैठ सके कि आपने जो पढ़ा कहीं ऐसा तो नहीं है आपने चीज़ को मिस इंटरप्रेट कर दिया। इसीलिए आप एक बार वीडियो से देखोगे तो वो सारी चीज़ें सेटलमेंट उनका होता रहता है और आपको एग्जैक्टली पता चल पाता है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वो असल में क्या थी। एजुकेटर्स कुछ दो चार बातें आगे एक्स्ट्रा की बताए थे, जैसे आपको 10th की मैथ्स अभी मैं पढ़ा रहा था तो आपने देखा होगा कि कुछ चैप्टर्स थे जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स था या एपी था या ट्रिगोनोमेट्री था, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लूप होल्स रहते हैं छोटे से पता नहीं चलता। मैंने उसको आपकी अगली क्लास 11 से रिलेट करके एक बार पीछे 11 का कॉन्सेप्ट लेके पढ़ाया तो आपको 10th का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाया। ये काम एनसीईआरटी नहीं करेगी, इसके लिए एजुकेटर का होना ही जरूरी है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप समझ पाए होंगे कि एनसीईआरटी को हमें किस तरीके से पढ़ना है, उसका एक प्रॉपर वे होगा। अदरवाइज बोलने के लिए तो सब बोल देते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ो, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि पेपर में हम आते हैं, हम बोलते हैं पेपर कहाँ से आ गया भाई। तो ध्यान रखना, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी से पेपर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इवन कोई बुक प्रेडिक्ट करना ही पॉसिबल नहीं है जिससे आप बोल सके कि यहां से पेपर आता है। लेकिन एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के बाहर अगर क्वेश्चन आ गया तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, पार्लियामेंट में हल्ला हो जाता है। इसलिए आप ये मान के चलो कि क्वेश्चंस का सिर्फ बोलने का पूछने का तरीका बदलेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर एक वीडियो बनाया, उसको जाकर देखो ताकि आपको समझ में आए कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में आते रहें। और होपफुली आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि आप हमारे लाइव सेशन जो अभी चल रहे हैं बोर्ड की फुल प्रिपरेशन के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट की आपकी चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो एंड इंग्लिश हो, वो सभी इस चैनल पर हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। जय हिंद, बाय बाय।